सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, ये ब्रेक्स देखो यहाँ पे आओ भाई, ये पता है डब्बी अलग से खरीदनी पड़ती है, और ये नीचे से देखो वायरिंग से लाइट लग रखी है नीचे की तरफ, है ना। हेलो पैंथर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो सब, तुम्हारा भाई बिल्कुल झक्का से दिख रहा होगा, और आज अपने साथ अपना फ्रेंड काली, इसका नाम हिमांशु, प्यार से इसको हम काली कहते हैं। तो एक बार मैं गेट बंद कर देता हूँ, हो गया गेट बंद। तो गाइस देखो, जहाँ कल अपनी पैंथर एंड में खड़ी थी वहीं खड़ी है, और भाई सनसेट तो हो चुका है उधर देखो, है ना, कुछ ज़्यादा ही काला काला ना दिख रहा है, दिखाइए ब्राइटनेस कम कर रखी है। अच्छा, ऑटो ब्राइटनेस हो रखी है यार, अपना आप कम ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा, घना क्रेजी लग रहा है ना भाई। आज अपने पास है MT15 जो कि फुल्ली मॉडिफाई हो रखी है वैसे तो, बट उसमें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मतलब इसका हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब आज आपको जो बाइक दिखाऊंगा वो देखना, थंबनेल में तो आपने देख लिया, बट मैं आपको बाइक दिखाऊंगा उसमें देखना वो कैसे लग रहे हैं, देन उसके बाद मेरे को कमेंट करना कि अपनी पैंथर में वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगाने या नहीं लगाने। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखी होगी आपने, मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देखी होंगी, यहाँ पे दो लाल लाल डब्बी लगती है ना, एक यहाँ पे लग जाती है, एक यहाँ पे लग जाती है, लाल लाल डब्बी होती है जो, तो भाई वो रहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मतलब उनसे थोड़ी लुक्स जो होती है ना वो बढ़ जाती है, मतलब खतरनाक लगती है। तो आज जो बाइक दिखाऊंगा ना उसमें सब कुछ लग रहा है, एग्जॉस्ट, व्हील कवर, एवरीथिंग, सारी चीज़ मॉडिफाइड है। तो भाई मेरे को आप ये कमेंट कर देना, जो मतलब उस आज अब जो बाइक दिखाऊंगा उसमें जो मतलब ये डब्बियाँ लग रही है ना, मतलब वो लगवानी है या नहीं लगवानी अपनी पैंथर में, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, अपना फ्रेंड अपने साथ है काली दी गैंगस्टर भाई, इसका नाम मतलब तुम ऐसा मस्त हो जाना, इसको काली क्यों बोलते, प्यार से नहीं बोलते ये, जब ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाता है ना जब बुलाते हैं हम इसको काली, जब आता है स्लो मोशन में आता है, बताया होगा मैंने आपको, है ना। तो चलो चलते हैं अपन यहाँ पे, है ना, बाइक दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत शानदार है, सारी चीज़ मॉडिफाई रखी है, एग्जॉस्ट, व्हील कवर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एवरीथिंग मॉडिफाइड है। तो चलो दिखाते हैं, देखते हैं, आपको बाइक देखना और फिर बताना अपनी पैंथर में क्या क्या करवाना है, क्या क्या नहीं करवाना, ठीक है। चलो आपसे मिलते हैं लोकेशन पे। तो गाइस अपन आगे लोकेशन पे, और सिनेमैटिक शॉट्स में आपने बाइक देख ली, और देखो अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ डिटेल में, क्या क्या मॉडिफाई हो रखा है, और जो हाइड्रोलिक ब्रेक लग रहे हैं वो उनकी क्या प्राइस है, और शो पीस है या फिर वर्केबल है, मैं सारी चीज़ बता देता हूँ आपको। तो भाई पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो MT15 है ना, ये V1 है, जो सबसे पहले MT आती थी ना वो वाली है, उसके बाद V2 V3 आने लगी, और यहाँ पर अपने भाई खड़े हैं, ये फारूक भाई की बाइक है, और यहाँ पर ये बाइक खड़ी देखो R15 V4 है, मॉन्स्टर वाली है शायद। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ सारी चीज़ इस बाइक के बारे में, है ना। तो गाइस सब कुछ बताने से पहले ना आप ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब ठीक लग रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, बता देना है ना कैसा लग रहा हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो भाई आपको एग्जॉस्ट तो दिख रहा होगा, एग्जॉस्ट मेरी बाइक में नहीं है, बहुत कम दिखता है, पर मैं बना देता हूँ व्लॉग, है ना, जिसमें एग्जॉस्ट लगा होता है, भाई एग्जॉस्ट तो दिख रहा होगा, बाकी इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे लास्ट में। तो चलो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले देखो इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स लग रहे हैं, उसके बाद भाई ये देखो आइस मॉडिफाई हो रखी है, उसके बाद देखो ये नीचे व्हील कवर मॉडिफाई हो रखे हैं, आगे भी और पीछे वाला फुल है, और भाई एग्जॉस्ट, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो रखी हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा अच्छे से प्राइस के साथ, ठीक है, और लास्ट में एग्जॉस्ट की साउंड भी सुनाऊंगा, ठीक है। आ जाओ देखो भाई, पहले बाइक पे बैठ जाते हैं यार, ज़्यादा देर खड़े खड़े थक जाते हैं। देखो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, ये ब्रेक्स देखो यहाँ पे आओ भाई, ये पता है डब्बी अलग से खरीदनी पड़ती है, और ये नीचे से देखो वायरिंग से लाइट लग रखी है नीचे की तरफ, है ना। इसके अंदर ये रेड कलर का ऑयल है या फिर स्टिंग भर रखी है, जिससे पता है लाइट पड़ने पर पता है चमकती है, पूरी रेड रेड दिखती है, तो रात में भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी, है ना। देखो अच्छी लग रही है ना, इसका थोड़ा सा ये खाली होगी वरना और अच्छी लगती है, इसको देख लो आप कितनी प्यारी लग रही है, और भाई यहाँ पे ऐसे करके ये ना सेट हो जाती है। बाकी ये बता दो मुझे लगवानी या नहीं लगवानी, सच बताओ ना तो मुझे ना अच्छी नहीं लग रही, पता क्यों, देखो इधर आओ, ये तामझाम जो है ना, देखो ये एक्स्ट्रा वायरिंग, ये बाइक ना यार अलग से थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ यार नहीं लगवाऊँगी, बट लुक सामने से देखें तो अच्छी लगती है।
भाई इनकी प्राइस बता देता हूँ, देखो इनकी प्राइस आई है भाई 1000 रुपये की, मतलब 1000 रुपये में ये दोनों सामान पूरा अच्छे से मतलब बढ़िया तरीके से लग गया प्रॉपर 1000 रुपये में। और भाई एक चीज़ बताऊँ, ये ना वर्केबल नहीं है, एक लगता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स वो मतलब वर्क करते हैं, बट ये शो पीस है ठीक है, मतलब दिखाने के लिए दिखावटी है। तो भाई ये लुक्स थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बल्कि बस सच बताऊँ मेरी तरफ से मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि वायरिंग थोड़ी सी वैसे अलग से दिख रही है। चलो आगे आ जाओ, उसके बाद में देखो आइस बता देता हूँ, आइस तो सिंपल मॉडिफाई है, छोड़ो भाई आगे इधर आओ, व्हील कवर दिखाओ, थोड़ा दूर से दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ यार, मैं तो भीग ही नहीं रहा। तो भाई ये देखो आगे वाला ना हाफ लग रहा है, ये भाई प्लास्टिक वाला व्हील कवर है, देखो इधर आओ पास है थोड़ा, ये यहाँ से अटैच हो रखे हैं। और भाई देखो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा गैप भी दिख रहा है, तो मेरी में नहीं है सारी चीज़, मेरा बिल्कुल फिट है, तो ये ऐसा गैप दिख रहा है। भाई ये इनकी क्वालिटी बताऊँ तो प्लास्टिक वाला है, और पीछे फुल लग रहा है, देखो इधर आओ पीछे फुल वाला लग रहा है, देखो ये भी प्लास्टिक का ही है, तो ठीक लग रहा है, मतलब दूर से देखा, थोड़ा दूर से देखे तो भाई लुक आ रही है बाइक की, अच्छी लग रही है, देखो अच्छी लग रही है ना। बाकी भाई इनकी बात कर लेते हैं, ये व्हील कवर कितने रुपए के हैं, देखो पीछे वाला है 800 रुपये का और आगे वाला 500 का है, मतलब दोनों व्हील कवर हैं 12-13 मतलब 1500 तक लगा लो लगाने के बाद, क्योंकि लगवाते भी हैं, तो 1500 रुपये के व्हील कवर हैं। बाकी ये मैंने बता दिया 1000 रुपये के। और फ्लैशर देखो, फ्लैशर भाई फ्लैशर तो नॉर्मल सारे बाइक्स में लगवाते हैं, सारे भाई लगवाते हैं, तो 200-300 का इसका खर्चा आ जाता है ठीक है। उसके बाद देखो एग्जॉस्ट है ना, उसके बाद एग्जॉस्ट बच रहा है ना भाई, पीछे से भाई ने देखो ये टेल टाइट बिल्कुल हटा रखी है, सच बताऊँ ना तो मुझे भी नंबर प्लेट पता है अच्छी नहीं लगती, मैं हटा दूंगा, मैंने नंबर प्लेट तो हटा दी मेरी बाइक की, बस वो इंडिकेटर्स रह रहे हैं, तो वो मैं चिपकने वाले लगवा लूँगा, क्योंकि यार ये थोड़ी सी लुक अच्छी आती है ना, देखो अच्छी आ रही है भाई। उसके बाद देखो एग्जॉस्ट लग रहा है, जो चीज़ आपको दिखानी चाहिए, जिसकी आवाज़ सुननी चाहिए, वो तो ये रहा, इसका वेट कर रहे होगे आप। और भाई ये इस साइड थोड़ी कुछ इधर आना, अरे अपन नहीं ये तो दिखाएंगे, ये देखो रैप करवा रखा है भाई ने, ये हल्का सा ये पूरा ब्लैक रैप है, वाइट एम्प्टी थी, ब्लैक नहीं थी। और भाई ये वी बने देखो, इसमें ना गोल्डन नहीं आते, ये सिंपल आते हैं, देखो USD फॉग लैंप्स नहीं आते इसमें ना, पहले वाली में ऐसे आते थे। एक बार इधर आ, खड़ी करा ना, यहाँ से दिखा बाइक की, देखो भाई अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना, अब अच्छी दिख रही होंगी, है ना अच्छी लग रही है ना। देखो तो चलो मैं ना इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ, पहले एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ, देखो इधर भाई एग्जॉस्ट की साउंड ना नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा लाउड है, मतलब नॉर्मल है मीडियम वाली, क्योंकि ये फुल सिस्टम नहीं है, हाफ है, यहाँ से बैंड पाइप पता क्या है वो कर रखी है, बेल्ट कर रखी है, मतलब फुल सिस्टम नहीं है, तो भाई ये इसकी जो आवाज़ है ना मतलब ठीक ठाक है ठीक है, मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ एक बार, बाकी मैं थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ कि कैसी लुक आ रही है इसमें, ये कैसे दिख रहे हैं दूर से, और ये व्हील कवर कैसे लग रहा है। एक बार ये पकड़ना काली, पकड़ लेगा ना, देखो आवाज़ पहले आवाज़ सुना देता हूँ, है ना, साउंड तो इसकी लाउड है यार, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, मतलब मीडियम है, अच्छी है साउंड, सही है, बेसी साउंड है, फट नहीं रही, सबसे अच्छी बात है कि फट नहीं रही साउंड, जब फटती है ना तो अजीब सी लगती है, बट आवाज़ मुझे प्यारी लगी इसकी। बाकी मैं चला रहा था तो लुक्स कैसी आ रही थी निकल के, कैसी दिख रही थी तो कमेंट कर देना, और मेन कमेंट जो है वो बताना मैं कैसा लग रहा हूँ ठीक है। ये ज़रूर बताना, चलो मजाक कर रहा हूँ, बाकी भाई का शूट चल रहा है, देखो मेरी बाइक वहाँ पर खड़ी है, वो रही अपनी पैंथर, और वहाँ पे देखो भाई वगैरह शूट कर रहे हैं कुछ सनसेट के साथ, देखो सनसेट तो गया ना, बट व्यू तो प्यारा आ रहा है, अच्छी लग रही है। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही था, बाकी बाइक कैसी लग रही है यही था मेन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, मतलब ये मुझे, मैं सोच रहा था कि लगवाऊँ, थोड़ा पास आना गाड़ी, मैं सोच रहा था कि ये लगवाऊँ, बट अब देखेंगे सोचेंगे, क्योंकि ये वायरिंग से यार अलग से दिखती है, तो थोड़ा देखेंगे इस पर सोच विचार करेंगे। इधर आओ देखो, दिख रही होगी ना, बाकी यार अच्छी तो लग रही है दूर से ना, जब मतलब राइट राइट चल रही है ना, देखो ये देखो लुक्स तो अच्छी लग रही है थोड़ी सी, है ना, देखो। बाकी यार कर देना आप कमेंट, ये लगवाऊँ या नहीं लगवाऊँ, है ना, और बाइक कैसी लगी है ये भी कमेंट कर देना। अब अपन घर चलते हैं, क्योंकि लेट हो गया, मेरे को जाना भी है कहीं, बाकी भाइयों को भी कभी कहीं जाना है, वो अभी शूट कर रहे हैं, तो चलो अपन निकलते हैं यहाँ से, है ना, घर मिलता हूँ आपसे। 2000 years later.
तो भाई सपन आ गए घर और आगे लगा रखी और मेरा फ़ोन बुरा मान गया भाई। आपको पता है ना आईफोन की प्रॉब्लम, गर्म जल्दी हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा इसको ठंडा हो रहा था, मैंने इसको आग के सामने रख दिया तो अब गर्म हो गया ही। अब ये नाटक कर रहा है नाटक। भाई अपने साथ बैठा है मोनू, मोनू हमारी वार्तालाप चल रही है, कुछ कुछ बात है जिस पर चल रही है, बता दोगे इनको भी बता दे दोगे अपने सीक्रेट? अरे बता, सरप्राइज, नई बाइक लेने वाला है 2-3 साल बाद। ऐसे तो नहीं होता है। सही कहा, सही है, ये बिल्कुल सही कहा। कह रहा ड्यूक 390 लूँ या फिर वो जेड एक्स 10R लूँ। मैंने कि तू साइकिल ले ले अटला, मैं स्प्लेंडर लूँगा। शाम को क्यों नहाता है, देख बाल गीले हैं तेरे, ठंडी लगेगी। अरे मैं आज कटिंग करा के लेट हूँ, कटिंग कराने गया था यार, कटिंग से याद आया मुझे भी कटिंग करानी है, तो कल चलेंगे कटिंग कराने। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से, जब ये बंद हो जाएगी ना आग बुझ जाएगी, उसके बाद अंदर जाएंगे, खाना खाएंगे, एडिटिंग करेंगे और आपसे मिलेंगे कल। धुआं जा रही है अंदर। और ये कमेंट कर देना जो मैंने आपसे पूछे, ठीक है ना, कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स वाली डब्बियाँ लगवानी है नहीं लगवानी, यार देख लेंगे, छोड़ो। चलो ठीक है, आप बता देना जो आप कहोगे वो तुम्हारा भाई कर लेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। ओके ओके मोनू, ओके। लड़का तो अच्छा है पर इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो कमियां छोड़ो, कह रहा रूस जाता है, रूस जाता है। अगर मैंने इससे पता ही कह दी ना कि मतलब जैसे बैठे हैं पढ़ी, कुछ भी कह दी, मैं जा रहा हूँ घर, जा रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ, चलती चलती कार में सुतर जाएगा, बाइक पर सुतर जाएगा, मैं घर जा रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, बाय।